अपने लिए जिंदगी गुजारना कौन सी बड़ी बात है, हम भी चाहे बैठे रहे आराम से, सब कुछ अल्लाह ताला ने दे दिया मुझे, मैं क्या जरूरत है मैं बलूचिस्तान जाऊं, वजीरिस्तान जाऊं, चतराल जाऊं, सिंध घूमूं, क्या जरूरत है। लेकिन खुदा की कसम खा के कहता हूं कि जो सुकून मुझे मिलता है उन लोगों के पास जाके उनके लिए कुछ करने के लिए, चाहे उनके पानी के मसले हल करूं या हॉस्पिटल्स बनाऊं उनके लिए या राशन दे दूं, ये सेटिस्फेक्शन इतनी जबरदस्त है कि मैं आप लोगों को अपने अल्फाजों में बता नहीं सकता। असल सियासत ये है, हमारे यहाँ सियासतदानों का दिमाग कुछ और है, वो सियासत को कुछ और समझते हैं, सियासत को कारोबार बनाया हुआ है, हमारे मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको कारोबार, दीन को कारोबार के लिए इस्तेमाल किया हुआ है हम लोगों ने। सियासत का मतलब है हकदार को उसका हक देना। तो मेरे भाइयों दोस्तों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है यही है कि जितना हो सके इस महीने, क्या पूरे साल, इस महीने के बाद भी अल्लाह ताला हमें जिंदगी दे के रखे। हमारे इर्द गिर्द बहुत ऐसे तकलीफों से मजबूर लोग हैं, आप खुदा की बस्ती जाए, न्यू कराची जाए, ये इलाके भरे पड़े हुए तकलीफों में लोग, कभी आप जाके तो देखें, आप अपने फैमिली अपने बच्चों को गाड़ी में बैठा के जूते खरीद लें, सिर्फ उन बच्चों के लिए जूते लेके जाए। अभी मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, अभी हम कराची से साथ में राशन के साथ साथ जूते भी लेके गए बच्चों के लिए। आप यकीन करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी भी बेटी हैं, आप लोगों की भी बच्चे हैं, नंगे पांव गरम रेत के ऊपर, पत्थरों पे, शीशे टूटे हुए, कांटे पड़े हुए, वो जिंदगी गुजारते हैं वो बच्चे। हम 10-15 हजार का तो अपने बच्चों को मैकडॉनल्ड KFC खिला देते हैं, क्या हम 500-600 रुपए की जूते बच्चों को नहीं दिला सकते जाके वहां पे? क्या आप अपनी फैमिली के साथ जाए, बेगम बच्चों को लेके जाए, हर साइड पे निकल जाए, आप लोग इस सुराब बोर्ड की साइड पे निकल जाए, खुदा की बस्ती की तरफ चले जाए, इतने बच्चे आप लोगों को मिलेंगे कि आप सोच नहीं सकते। मैं एक बच्चों को जूते पहना रहा था तो एक बच्चा छोटा करीब आके खड़ा हो गया था और रो ही जा रहा है। मैंने कहा बेटा आपको दे रहा हूँ, पहले इस बच्चे को पहना दूं फिर आपको मैं दे रहा हूँ। तो उसने एक पाँव अपना ऊपर किया हुआ था यूं करके, मैंने कहा कोई मसला है? तो उस बच्चे का मैंने पाँव उठाया, खुदा की कसम 3 टांके उसके अंदर, कांटे उसके पाँव में थे, मैंने वो निकाले और उसको जूते पहनाए, और जिस खुशी से वो बच्चा अपनी माँ की तरफ गया और जिस तरह उछल उछल के माँ को बता रहे कि मेरे नए जूते आ गए, मैं आपको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता उस बच्चे की खुशी। छोटा अमल किया है मैंने, कोई बड़ा काम नहीं किया, बच्चे को सिर्फ जूते पहनाए मैंने। ये छोटी छोटी नेकियां अल्लाह के यहाँ पता नहीं कितनी कबूल है, आप लोगों को क्या पता। सिर्फ नमाज आप लोगों की नमाजों पर और रोजों पर नहीं जन्नत के आप दावेदार बन सकते हैं कि आपको जन्नत मिल जाएगी, अगर अल्लाह का करम होगा तो जन्नत मिलेगी, वरना उसके बगैर नहीं मिलेगी जन्नत आप लोगों को। इंसानियत की खिदमत करें, जन्नत तब कंफर्म है आप लोगों की, इंसानियत की खिदमत करें। तो इंशाल्लाह मैं, अच्छा लगा आप सब लोगों के पास आए बैठे हैं यहाँ पे, और अल्लाह रसूल की बात हुई, आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त है कि जो काम मैंने शुरू किया दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हमसे ये काम लेता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।